बहुत बढ़िया कोई बात नहीं हुई इस घर जाने बस छोटी लड़की के साथ मस्ती खेलती गई बड़ी खुशी से गई देखो कोई पता नहीं उसने बाहर क्या बात है क्या नहीं क्या हुआ क्या नहीं है। ये जो फोटो आपने अभी अपनी स्क्रीन पे देखी है ये 32 वर्षीय निशा देवी की फोटो है और लक्ष्मी नगर मुट्ठी वार्ड नंबर 67 में वो रहती हैं और अपने घर से कल से ही मिसिंग है। हालांकि फोर्थ ब्रिज के ऊपर एक स्कूटी भी जो है वो SDRF द्वारा रिकवर की गई है लेकिन फैमिली जो है वो आस लगाए बैठी है। फैमिली यही कह रही है कि हमारी बेटी जहां पर भी है वो वापिस आ जाए। पुलिस द्वारा पूरी तरह से जो मैटर है उसको देखा जा रहा है। पुलिस ने पूरी तरह से इसके बीच में इंटरवीन किया है लेकिन फैमिली ये अपील कर रही है कि जल्द से जल्द हमारी बेटी जो है जहां पर भी है वापस लौट आए और एक आस लगाए जो फैमिली है वो बैठी है। देखिए बहुत बढ़िया आपकी लास्ट वर्ड कब हुई थी निशा के साथ? कल हुई थी। तो अब क्या आप अपील करना चाहते हो पुलिस को क्या कहना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन को? अस्थी खेलती खाती गई सब कोई बात नहीं हुई इस घर जाने बस छोटी लड़की के साथ मस्ती खेलती गई बड़ी खुशी से गई देखो कोई पता नहीं उसने बाहर क्या बात है क्या नहीं क्या हुआ क्या नहीं है। और सभी हमारे घर से बहुत प्यार करती सभी से मेरे को कोई समझने लगी क्या हुआ था क्या नहीं है। गलती हो बच्चों को गलती हो बाप को या बेटे को या किसी के भी गलती हो जरा भी सुन रहा वो उधर से मेहरबानी करके निशा देवी घर में आ जाना पहुंच जाना घर में। घर में बहुत परेशानी जो हमारे से कुछ हुआ सानू माफ करना सभी से अगर आपको कुछ बोला भी नहीं किसी ने नहीं कुछ है पर बढ़िया पर घर में आ जाना बहुत परेशानी तेरा पापा भी जा रहा है मम्मा भी और सभी परेशानी में जैसे भी कोई कहाँ भी सुन रहे हैं ये रिंकू जी आप यहाँ के लोकल हैं आप भी पूरी तरह से यहाँ पर फैमिली के साथ हैं क्या बात हुई है किस तरह का जो एक पुलिस के साथ कांटेक्ट हो रहा है और क्या कुछ बात? पहले तो हमें बहुत दुख हुआ ये घटना जो हुई है हमारे मुट्ठी में ये वार्ड नंबर 67 सेक्टर 2 लक्ष्मी नगर की हमारी बेटी है जहाँ मोहल्ले की। तो जैसे हमने मीडिया में देखा कि ऐसी ऐसी ये बात हुई है तो ये हमें सुना है कि ये इनकी स्कूटरी है जो तभी पुल पे पाई गई है। जरूरी नहीं है ये कह सकते कि अभी जहाँ उसी में शाल लगाई है कि जहाँ क्या हुआ है। तो हम यही अपील करना चाहते हैं मीडिया के थ्रू और डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट को भी जहाँ भी है इनकी बेटी को ढूंढा जाए और इनके फादर की हालत इतनी कंडीशन ख़राब है आप देख सकते हैं क्या है किस तरीके से ये अपनी बेटी के लिए परेशान है। तो हम यही अपील करते हैं जहाँ भी ये बेटी है वहाँ इनको ढूँढा। मेरा नाम राकेश। राकेश जी कब लास्ट बात हुई थी आपकी निशा जी के साथ? शाम को 5 बजे। 5 बजे क्या बात हुई थी? मेरे घर वालों की बात हुई थी मेरी नहीं हुई थी। मैं कहीं बाहर गया हुआ था तो रात को जब हमने देखा कि वो आई नहीं काफ़ी टाइम हो गया 9:30 बज के तो उसके बाद हम वहाँ पे गए सैलून में गए वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे लॉक था शटर बंद था। तो मालिक से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 8:15 बजे के यहाँ से निकली है घर के लिए तो घर पहुँची नहीं है। तो बाद में जब हमें रात को पता फोन आया तो हमें पता चला कि उसकी जो स्कूटी है वो तभी पुल पे मिली है और उसकी सैंडल मिली है वहाँ पे और उसके बाद वो तभी से गायब है तभी से लगातार मतलब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है वो खुद भी नहीं मिल पाई है। तो अभी अब सब घर वाले परेशान है कि उनका जल्द से जल्द पता लगा पाए ताकि हमें भी थोड़ी सी राहत मिले। क्या अपील करना चाहेंगे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर निशा इस वीडियो को देख रही हो? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी वो हो ये वीडियो देख रही हो तो ये वीडियो देखकर कम से कम पापा को देख के वो घर पे वापस आता है जिस कंडीशन में भी है। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ SHO साहब से ये गुजारिश करूँ कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी की जाए और उनको ढूंढा जाए और हमें इतना दी जाए कि वो कैसे है किस कंडीशन में है कहाँ पर है पूरी मतलब कि हमें कार्रवाई जो है होनी चाहिए। कैप्शन में हमने जो नंबर है वो शेयर किए हैं और अगर आपको कोई क्ल्यू या कोई इन्फॉर्मेशन जो है अगर आप देना चाहते हैं
निशा देवी की, तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।